हेलो कौन अविवेक, है आप? आपको दिख नहीं रहा मैं ऑलरेडी यहाँ क्यों आया? बैठ सकता हूँ मैं? आप है कौन? विवेक नाम है। आप यहाँ आए क्यों हैं? आपको दिख नहीं रहा मैं ऑलरेडी इतनी इरिटेटेड हूँ, इतनी डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने आपको कुछ गलत बोला? प्लीज, मैंने आपको एक वर्ड गलत बोला? मैंने आपको एक भी वर्ड गलत बोला? बहुत आपने जो भी बोला है मुझे, मैंने बोला हाय विवेक, मुझे कोई बात नहीं करनी है ना, आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा है कोई यहाँ पे? आई थिंक ये आपका प्लेस है। नहीं, आपका प्लेस है ये, लेकिन मैं इस टाइम डिस्टर्ब हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे आसपास भी यहाँ पे। तो आप कहीं और जाके बैठे, अकेले में बैठिए। पहले मैं बैठी थी ना यहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक के लिए अलाउ है, कोई भी आकर के यहाँ बैठ सकता है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हो। आप मना नहीं कर सकते हो? आपको इतना शौक लग रहा है बैठने का तो बैठ सकते हैं, लेकिन मुझसे दूर होकर बैठना। बिल्कुल। विवेक, अभी इतना कुछ सुना है अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्यों डिस्टर्ब हैं आप? सबकी अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम होती है, मेरी भी कुछ है। प्लीज मेरी जैकेट से हाथ हटाओ। प्लीज आप अपनी जैकेट हटा लो। आप हाथ हटाओगे? मैं नहीं हटाऊंगा। आप क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो? मैं आपको इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, आप बिना वजह के मुझे डांट रहे हो यार। यार आपको दिख नहीं रहा है मैं इरिटेट हूँ, मैं बहुत ज्यादा। मतलब क्यों इरिटेट हो? मैं वही तो जानना चाहता हूँ ना। मुझे नहीं बताना ना किसी को भी। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। ते क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, मैं यही चाहता हूँ कि लाइक क्यों आप इस तरीके से अननोन इंसान पे आप ऐसे चिल्ला रहे हो? तो अननोन इंसान को नहीं पता है मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं माइंड से डिस्टर्ब बैठी हूँ यहाँ पे, मैं रिलैक्स के लिए। कुछ तो रीजन होगा ना। कुछ तो रीजन होगा ना कि आप क्यों डिस्टर्ब हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऑलरेडी थोड़ी परेशान हूँ। आप बता सकती हैं यार, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। या लेकिन मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं रहा। ट्रस्ट, ट्रस्ट लाइफ में ना कभी इंसान को करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि अगर एक इंसान या दो इंसान या 10 इंसान गलत है तो पूरी दुनिया गलत है। वैसे क्या प्रॉब्लम है बताओ तो आप, और हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सॉरी बट इट्स ओके, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि जिस पे किया है उसने मुझे छोड़ दिया है। तो किसने आपको छोड़ दिया? मेरे हस्बैंड ने। आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है? Yes. लेकिन व्हाई, क्यों? आई डोंट नो व्हाई। वो ड्रिंक वगैरह करते थे, हम लोगों में फाइट्स होती थी। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट इट्स नॉट अ राइट वे। जब एक बेटा हो छोटा तो कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे टाइम पे एक हस्बैंड अपनी बीवी को छोड़ रहा है तो तुम समझ पाओगे उस लड़की की हालत? समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी को चिल्लाओगे अच्छी बात थोड़ी है ना। अब आप आराम से बताओ क्या बात है। सॉरी सॉरी, अगर आप बताना चाहें तो, अदरवाइज मैं जा सकता हूँ। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए और मेरी एक बेटी भी है, और मतलब यार मैं कैसे मैनेज करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ? बेटी छोटी है, कुछ तो क्या हुआ, क्या है ये बताओ। मैं कैसे बच्चे को हैंडल करूँगी? तो आपके हस्बैंड जी कहाँ हैं? वही तो सब प्रॉब्लम है। तो क्या है वो प्रॉब्लम? वो ड्रिंक करते थे, हम दोनों में हमेशा फाइट्स होती थी। फिर इसी बीच मेरी एक छोटी बेटी है तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, इतने दिन से सब कुछ चुपचाप सह रही थी। वो ड्रिंक करके आते हैं तब भी, बट उसके बाद भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो रोने से वापस आ जाएंगे वो? क्या करूँगी फिर मैं, कहाँ जाऊँगी? मेरे बहुत छोटी बेटी है मेरी। आपकी कितने साल की बेटी है? 1 साल। आप पढ़ाई कितना की हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। आप लोग जब शादी करते हो तब ये सब चीजें नहीं देखते हो? जब शादी की कुछ टाइम तक सब ठीक ही था और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने धोखे से शादी की है। मुझे नहीं पता था वो ड्रिंक करता है। मुझे लगा जैसे गेट टुगेदर होता है ओकेजनली, कभी कर लिया, बट मुझे नहीं पता कि वो कुछ नहीं करते, सिर्फ ड्रिंक ही।
यहाँ रोने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? रोने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी? अरे पीने के बाद हाथ भी उठाते हैं। आप लोग जब करते हो, तब आप लोगों को नहीं समझ में आता? मैं फिर भी एडजस्ट कर रही थी, लेकिन दारू पी के मारना, हाथ उठाना, ये सब अच्छी आदतें हैं क्या? और उसके बाद भी मैं रह रही थी उनके साथ, बट उनमें इतना मेल ईगो है, उसके बाद भी मैं अगर रोकती हूँ तो एक झगड़ा हुआ हमारा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। आप लोग जब शादी करते हो तो आप सब चीज़ नहीं देखते? लव मैरिज थी ना? लव मैरिज थी, लेकिन आपको तब नहीं समझ में आया ये चीज़ें? अब मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं आया। क्यों नहीं? आप लोग, आप मम्मी से पूछ के क्या था? मेरे पापा को, मम्मी को नहीं पसंद थे, लेकिन मुझे तो ठीक है, फिर भुगतो अब। हाँ बिल्कुल, आप रोने के लायक ही हैं, आप रोइए, आपकी कोई मदद नहीं करना चाहे। कर सकती हूँ यार मैं? हाँ तो रोइए आप, बैठ। मैं सच, मैं आपको एक एडवाइस दूँ फ्री का, आपको इस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, आपको सुसाइड करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ, आपको सुसाइड करना चाहिए। मेरी बेटी? अरे बेटी का ठीक है, आप अब सुसाइड कर लो ना, मैं बोल रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, मैं सुसाइड भी करने के लिए तैयार, लेकिन मेरी बेटी को क्या तुम रखोगे, क्या होगा उसका? मैंने आपको एडवाइस दिया, अगर आप कर सकती है तो आपके लिए अच्छा सा ऑप्शन है ये। उसके फादर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ के कर सकती ना, कुछ भी सोसाइटी। तो फिर रो क्यों रही हो, नाटक क्यों कर रही हो, फिर झूठ मूठ का ढोंग कर रही हो? यार मैं भी इंसान हूँ। ढोंग क्यों कर रही हो फिर रोने का? ये ढोंग है, फिर ये नाटक मत करो रोने का। तो क्या करूँ फिर मैं? तो नाटक क्यों कर रहे? नहीं नाटक क्यों कर रहे हो ना, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं प्यार करते हो तब तो बहुत अच्छे से लगता है कि लाइक एवरीथिंग इज माय बॉयफ्रेंड, doesn't matter my father and mother, अब she's crying, तो क्यों कर रहे हो ना फिर? आप लोग खुद ही अब जो करते हो, कहते हैं जो आदमी बोएगा वही तो काटेगा। मुझे पता है, आप एक काम करो, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जो इंसान अपनी माँ बाप को बात ना मानता हो, अपनी फैमिली की बात ना मानता हो, और वो देश में बोझ है, प्लीज गो अवे। वहाँ पे कैमरा लगा और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। लेकिन क्यों करूंगा मैं? क्यों? मैं आपकी प्रॉब्लम देखता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या प्रॉब्लम? मैं मेरी क्या हेल्प कर सकते? पैसे हैं आपके पास? मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ आपकी बेटी का पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँ। समझ नहीं आ रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी का पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। मैं ही विश्वास कैसे कर सकती हूँ? तो मत करो ना। प्यार किया उस पे भी। गाइस यार मुझे नहीं पता यार कि इन लोगों का क्या मसला रहता है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ यार ये लोग अपने माँ बाप को चूतिया समझते हैं, छोड़ के चले आते हैं। एक इंसान होने के नाते मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, जो भी हो सकेगा पैसे से मैं इसकी हेल्प करूंगा यार। चलो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा और तुम्हारी बेटी का खर्चे का पैसा दूंगा। वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ यार, ताकि लोगों को लगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने माँ बाप को चूतिया मत समझो, अदरवाइज आप कभी खुश नहीं रहोगे। बाकी जय हिंद जय भारत। शिवम ऑफ कर दो।